कैप्टेंसी टास्क में अब यहाँ पर हर कोई चाहता है कि इस हफ्ते कैप्टेंसी उसके हाथ में आ जाए। पिछले हफ्ते ईशा के कैप्टन बनने के बाद जिस तरह की पावर ईशा को मिली है, उसके बाद अब सभी को ये बात समझ में आ चुकी है कि यहाँ पर कैप्टेंसी कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए अब इस कैप्टेंसी के लिए हर कोई जो है एफर्ट्स लेता नज़र आया है। घर में ये बातें भी हो रही थी कि ईशा को कैप्टन बनने के बाद जितनी पावर मिली है, अगर वही पावर हर कैप्टन को मिलेगी तो गेम ही पलट कर वो रख सकता है। लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि हर कैप्टन को वही पावर मिले, और आज जिस तरीके का मैसेज स्क्रीन पर आया उससे एक बात तो साफ है कि इस बार की कैप्टेंसी में ये दिखाना होगा कंटेस्टेंट को कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इस बार का टास्क जो है वो जुड़ा हुआ है टॉर्चर के साथ। और इसीलिए अब हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो मैसेज आया वो था कौन स्ट्रॉन्ग है कौन नहीं है, आज का बड़ा सवाल यही है। तो अब इस टॉर्चर टास्क में बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर होते नज़र आए हैं कंटेस्टेंट। यहाँ पर टीम दो में डिवाइड हो गई है, जहाँ एक तरफ लड़कों की टीम है तो एक तरफ लड़कियों की। लड़कों की टीम में जहाँ समर्थ, अनुराग और अभिषेक में मुकाबला था और ईशा अभिषेक को टॉर्चर करती नज़र आई है, वहीं लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में मुकाबला था ईशा, अंकिता और मनारा में, और अभिषेक ने भर भर कर पानी जो है ईशा पर डाला है। यूं तो अक्सर कहते नज़र आए हैं अभिषेक कि वो ईशा को कभी नॉमिनेट नहीं करेंगे, लेकिन ईशा जिस तरीके से लगातार अभिषेक को मना रही है निशाना, उसके बाद अब देखने को मिला है कि यहाँ पर अब अभिषेक भी ईशा को निशाना बनाते नज़र आए हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।